उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र आज जारी किया। आपको बता दें, उत्तराखंड जनता पार्टी ने आज मकर संक्रांति के पावन पर्व के शुभ अवसर पर अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड व उत्तराखंडियत को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में मूल निवास भू कानून, उप नल कर्मियों का नियमितीकरण, जिला चयन समिति का गठन, परियोजनाओं पर हक हकूक, टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही, बांध विस्थापितों का पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं को पीपीपी मोड से हटाना सहित 27 बिंदुओं को शामिल किया गया है। धरे ने कहा कि पार्टी 10% यानी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक 5 सीटों की सूची ही जारी की गई है, जिसमें टिहरी सीट से दिनेश धने, ऋषिकेश सीट से अधिवक्ता कनक धने, जयनारायण बहुगुणा धनुटी से कर्णप्रयाग से डॉक्टर मुकेश पंत व पौड़ी से ओंकार कोहली को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, आज पावन पर्व है, मैं अपने प्रदेश और देशवासियों को आप सबके माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस पावन पर्व पर हमने जो ये घोषणा पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये नया दल है और मुझे भी एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन वो उन अनुभवों को संकलित करते हुए आज आपके सामने कह सकता हूँ कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये उत्तराखंडित को लेकर है, जिसमें मूल निवास भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और इसके अलावा भी सारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम अगर जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हम जनता से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे अगर 4 विधायक भी उत्तराखंड की जनता ने दिए, कम से कम अगर 4 विधायक भी, तो ये जो संकल्प पत्र है, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये संकल्प पत्र ये सरकार का संकल्प पत्र होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम यथाशक्ति यथासंभव हम इसको क्रियान्वित करने का, 3 उम्मीदवारों की आज हमने घोषणा की और 2 उम्मीदवार हम पहले घोषित कर चुके हैं, तो 5 कुल उम्मीदवार हमारे घोषित हुए हैं। और हम क्वांटिटी में, हम संख्या में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम गुणवत्ता में, क्वालिटी में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम उन दलों की तरह अपना एजेंडा नहीं चलाएंगे कि जो ब्लैकमेल करने के लिए, जो कहीं पर किसी का एक सदस्य भी कहीं ग्राम में, ग्राम पंचायत नहीं, और उस 70 सीटों में चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। हम अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। हमने कम से कम 7 प्रत्याशी उतारने हैं और उसके अलावा अगर हमको सुयोग्य प्रत्याशी और मिलेंगे तो हम उन पर भी विचार करेंगे।